जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान एक बीजेपी नेता की करतूत सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि घर के बाहर खेल रही एक 12 वर्षीय किशोरी को बीजेपी नेता ने अपने घर बुलाया और गलत वारदात को अंजाम दिया है। वहीं किशोरी ने बताया कि वह पहले भी कई बार ऐसी गलत वारदात को अंजाम दे चुका है और 200-300 रुपए देकर वह उसे चुप करा देता है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पर 12 वर्षीय किशोरी के मामले का खुलासा होने के बाद भाजपा नेता ने कई दिनों बाद खुद को देर रात सरेंडर कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा नेता रमेश की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और घर के बाहर तोड़फोड़ कर दी गई है। हालात अभी सामान्य बने हुए हैं, हालांकि 4 जिलों के पुलिस बल को यहाँ पर 2 शिफ्टों में तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी नेता रमेश कुल्हानी की तलाश में पुलिस की 5 टीमें 2 दिन से जुटी हुई थी। पुलिस आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। इस बीच 12 वर्षीय किशोरी का मेडिकल मुआयना करवाने के बाद उसके बयान भी लिए गए हैं। इसी दौरान पुलिस को आरोपी की तमाम हरकतों के बारे में किशोरी ने बताया है, जिसके बाद उसकी करतूत के बारे में सभी का खुलासा हो गया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।